जहाँ हर कोई बनेगा डिजाइनर। फ्रेंड्स, वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं भी एक शादी अटेंड कर रही थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो बना तो चुकी थी पर लेकिन डाल नहीं पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी कि क्योंकि मैंने बोला था जल्दी से जल्दी मैं शरारा की वीडियो डालूंगी और कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे कि शरारा जो दूसरी तरह का है उनको देखना है, तो थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे जो कि मैंने पुरानी साड़ी से शरारा क्रिएट किया है। जैसे कि फेस्टिवल आने वाले हैं और नई नई अलग अलग तरह के लुक हमें चाहिएंगे ही, जैसे साड़ी चाहिएगा या कुर्ती चाहिएगी, या मैंने शरारा बनाया, आपको देखिए आप वो कैसा आपको लगता है। फ्रेंड्स, ये मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स वीडियो पर लास्ट तक बने रहना आप। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रिंट की ये इस तरह की साड़ी थी, इसकी मैंने फ्रिल वाली स्लीव्स बनाई है जो पूरे घेरे वाली थी, जैसे हम फ्रॉक वाला सूट बना देते हैं, अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है, क्योंकि ये नीचे से मैंने चुनटा वाला बनाया तो मुझे यही अच्छी लगी, सिंपल नहीं अच्छी लगती तो मैंने यही लगा ली है। एक एक मैंने इस पर लेस लगाई है, दोनों ही स्लीव पर एक एक लेस लगाई है, मैंने ज्यादा भी कुछ भी नहीं किया इसमें, कॉलर वाला ये बनाया है जैसा कि पसंद है मुझे, क्योंकि ये मेरा नहीं है। देखिए, मैं ये मेरा नहीं है, ये मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए बनाया है, अपनी ही साड़ी में से, उसे एक पार्टी में जाना है इसलिए मैंने उसके लिए बनाया। अब मैंने कॉलर वाला बनाया है और ये मेरे नाप का भी नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए कि इसकी लुक कितनी ज्यादा सुंदर है तो मैंने अपने नाप का किया है, बाद में मैं उसके नाप का कर दूंगी इसको, उसकी लेंथ वगैरह थोड़ी लंबी है तो मैं बाद में नाप का कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इतना एफर्ट लगाते हैं हम आपको दिखाने के लिए, किसी चीज को समझाने के लिए इतना एफर्ट लगाते हैं, तो उसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आती है। तो मैंने इस तरह का कॉलर बनाया, पाइपिंग लगाई है, पाइपिंग लगानी मैंने आपको एक वीडियो में दिखा रखी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं दिखाती, भले ही वो वीडियो चेंज हो जाती कि पहले दिखा दी थी या बाद में दिखा दी थी। एक फ्रेंड को ऐसी स्लीव्स के बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे, जो कॉफी कलर वाला सूट है उसके लिए पूछ रहे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूं, जो कॉफी कलर वाला कुर्ती वो पूछ रहे थे, तो ऐसी स्लीव्स उनको देखनी है, उसकी इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने इसमें बताई है, स्टिचिंग तो बहुत ईजी है, मैंने कटिंग ज्यादा बताई है, स्टिचिंग तो मैंने करके ही दिखाई है, ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने इसमें इस तरीके से इतनी कोटी बनाई है, जहां पर मेरी वेस्ट आती है बिल्कुल वहीं से मैंने चुनटे डाली हैं। अब क्या था फ्रेंड्स, पहले मैंने ये जो लेस थी लगा दी थी, लगाने के बाद मैं इसको पहन रही थी, लगाते जैसे लेस लगती है ज्यादातर बॉडी के बिल्कुल नीचे लगती है, बट क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब मैं उसको पहन नहीं पा रही थी, जब मैं ही नहीं पहन पा रही थी तो कोई और कैसे पहन पाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैंने क्या आइडिया निकाला, मैंने जो लेस है देखिए इसकी बेल्ट बना दी है अलग से बिल्कुल, ये मैं किसी साड़ी पर भी पहन सकती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर बांध रखा है इसको, यहाँ पर बांध रखा है इस तरीके से लुपिया लगाकर, ये हो गया। पीछे की तरफ आप देखेंगे मैंने इस तरीके से सिर्फ तीन लुपिया पीछे ही लगाई हैं, जिससे कि ये बेल्ट ऊपर नीचे नहीं जाएगी बिल्कुल भी। बैक में मैंने डॉट डाली है, फ्रंट में भी मैंने डॉट डाली है, जैसे ब्लाउज में डॉट डालते हैं, सिर्फ मैंने एक एक ही फ्रंट पर और बैक पर डॉट डाली है, इससे फिटिंग और भी ज्यादा अच्छी आई है। वैसे मैं डॉट नहीं डालती हूँ ज्यादातर, पर मैंने इसमें डाली है, जैसे ब्लाउज में हम डालते हैं आधे इंच की पकड़कर आपको 11 इंच तक डॉट डालनी है, और वो दिख भी नहीं रही है, बट फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आई है। अब आप नीचे की तरफ देख सकते हैं इस तरह की एक फ्रॉक बन गई है, ऊपर का हिस्सा जो है फ्रॉक बन गया है, यहां से आप देख सकते हैं। इसमें मैंने फ्रेंड्स लाइनिंग नहीं लगाई है, ऊपर वाले हिस्से में इसमें लाइनिंग लगी है, नीचे का शरारा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, नीचे भी मैंने एक एक लेस लगाई है, ये थोड़ा शरारा यहाँ आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आना चाहिए, बट ये मेरे नाप का नहीं है जैसा कि मैं आपको बता रही, तो हल्का सा नीचे आ रहा है, ये इसकी लेंथ भी काफी बड़ी है और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। ये जो नीचे का हिस्सा है ये कम से कम 1.5 मीटर है, ये वाला ये जो नीचे का हिस्सा है कम से कम 1.5 मीटर से भी ऊपर है, आप कटिंग की वीडियो में देखना उसके, और नीचे की तरफ आप देखिए इस तरीके से मैंने ये लाइनिंग लगा दी है, ये है लाइनिंग नीचे की तरफ, जो लाइनिंग हम ब्लाउजेज में लगाते हैं मैंने वही लगाई, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है अगर हम थोड़ी हैवी लाइनिंग लगाते हैं, तो इस तरीके से ये आप इसका घूम देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहां पर भी मैंने लाइनिंग, अगर आप कहीं किसी भी शॉप पे जाते हैं या किसी घर जाते हैं तो जैसे सामने दरवाजे से अंदर आते हैं तो ये जरूर आपके जो पैर हैं लेग्स जो हैं वो चमकते हैं, तो इसीलिए मैंने नीचे लाइनिंग लगाई है, इधर मैंने पूरे में लाइनिंग लगाई है, मैंने यहां लाइनिंग नहीं लगाई है, ऊपर बॉडी
मैंने लाइनिंग लगाई है, स्लीव्स में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है। 6 मीटर की ये साड़ी थी, क्योंकि मैंने इसमें से ब्लाउज नहीं निकाला था, तो 6 मीटर की ये साड़ी थी फ्रेंड्स। तो पूरी 6 मीटर की मेरी साड़ी लग गई है, छोटा सा टुकड़ा इसमें से बचा है समझिए। और जो लाइनिंग है वो मैंने लगाई है 5 मीटर की लगाई है, 5 मीटर में ओके हो गया, क्योंकि नीचे तो चाहिए नहीं थी, तो यहां बच गया मेरा, सिर्फ ऊपर ही आया बॉडी में, और जितना भी लाइनिंग है नीचे लगा हुआ। यहाँ पर कितना लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 0.5 मीटर से ऊपर लग गया होगा यहाँ ऊपर की तरफ, और सारा नीचे ही लगा, यानी 4 मीटर की लाइनिंग नीचे नीचे ही मैंने लगा दी है। ये आप इसकी लुक पूरी देख सकते हैं। अभी राखी आ रही है फ्रेंड्स, राखी पर पहन सकते हैं आप इसको, हल्की फुल्की पार्टी में पहन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज्यादा है। यहाँ पर मैंने ये लगाया है, लटकन भी लगा दी है, आप चाहें तो यहाँ पर डोरी वोरी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ये वाली जो लैस थी वो मैंने यहाँ पर भी लगाकर देखा था, जैसे वो वैसा बनता है राजस्थानी टाइप, बट वो इसकी लुक ऐसे ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया है। पुरानी साड़ी में से एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस हमारी बन गई है, ये देख सकते हैं आप। ये शरारा प्रिंटेड है, इस पे मैं प्लेन कुर्ती बनाकर डाल सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी नहीं है फ्रेंड्स, तो हमारे घर में लेडीजों के पास इतनी साड़ियां पड़ी होती है, कोई टेंशन ही नहीं है, बाहर से कपड़ा खरीदने की जरूरत ही नहीं है। एक नई साड़ी निकालिए, उसका प्रिंट देखिए, अगर आपको बहुत पसंद आता है तो आप उसमें से बना लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक ड्रेस आपकी बन जाएगी, और खर्चा भी नहीं होगा। मुझे ये फ्री में मिला पड़ा है। अगर आप बाहर से खरीदने जाएंगे और ज्यादा घेर का अगर खरीदने जाएंगे, देखिए थोड़ा घेर का तो आपको 400-500 रुपए में आराम से मिल जाएगा, और वो भी लीलन के कपड़े में ही ज्यादातर मिलेगा। पर अगर आप अच्छा शरारा खरीदने जाएंगे तो कहीं भी 1000-2000 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स आप फ्री में ही अपने घर पर स्टिच कर सकते हैं और एक अच्छी ड्रेस वो कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी में गई थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो शादी में मैंने वो जो स्कर्ट वाली कुर्ती थी वो पहनी थी, मतलब कुर्ती और स्कर्ट जो मैंने बनाया था ग्रीन कलर का, उसकी फोटो साइड में आप देख रहे होंगे, वो मैंने वहां पर पहना था। सब लोगों ने यही सोचा कि रेडीमेड, जो मेरे घर के सब सदस्य हैं उनको तो पता है कि मेरा चैनल भी है और मैं सिखाती भी हूँ, मैं वो जानती है मेरे को सिलाई आती है, बट जैसे ही सबको धीरे धीरे करके पता चला कि मतलब वो मैं खुद सिला है, तो एक तो किसी को विश्वास भी नहीं हुआ, जो अनजान लोग थे उनको विश्वास भी नहीं हुआ, वो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था उस दिन पहनकर, उसकी लुक ही बहुत ज्यादा प्यारी, आपने देखा होगा उसकी मैंने 3 वीडियोस बनाई है, शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा, पूरा घेर मैंने आपको दिखाया है, डांस वांस भी किया, खूब इंजॉय किया, तो मतलब इतना ज्यादा वो सुंदर लग रहा था, इतनी तारीफ मुझे उस कुर्ती के लिए। तो फ्रेंड्स आप ऐसी कुर्ती और स्कर्ट जरूर बनाना, मैं आपको इसीलिए बात बता रही हूँ, इतनी ज्यादा मुझे तारीफ सुनने के लिए मिली कि बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरी तारीफ होती है तो मैं कभी अपने लिए नहीं सोचती कि मेरी तारीफ हो रही है, मैंने सिला, हमेशा मैं अपनी मम्मी पापा के लिए सोचती कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। अगर वो मुझे जैसे मैं कपड़ा चाहिए होता है सिलाई सीखने के लिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, अगर वो मुझे कपड़ा नहीं देते तो शायद आज मैं इतनी कामयाब नहीं होती, क्योंकि कपड़े को खराब कर ही हमें सही करना आता है कि हम कोई चीज बना सकते हैं। तो उन्होंने मेरी कभी ख्वाहिश नहीं मारी, जिसमें कि वो टाइम जब हम छोटे थे वो टाइम एक ऐसा होता था कि किसी तीज त्योहार पे हम लोगों के लिए कपड़े बन रहे हैं, आ गया 4 मीटर कपड़ा, हमने उसमें ही बना लेना, बट लेकिन जब मुझे कोई कपड़ा कहीं पसंद आता था तो मैं उस जगह से हिलती नहीं थी बिल्कुल भी। आज मुझे लगता है कि मैं कितनी बदतमीज थी कि मैं अपनी मम्मी से लेकर ही मानती थी कि मम्मी मुझे चाहिए ही चाहिए ये कपड़ा, प्लीज दिला दो प्लीज दिला दो। तो अगर वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते तो क्या शायद मैं इतने सारे अच्छे अच्छे डिजाइन सीख पाती, नहीं सीख पाती। तो जब मेरी तारीफ होती तो मुझे अपने मम्मी पापा को लगता है कि मैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। सो फ्रेंड्स ऐसी ड्रेस आप जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तारीफें मुझे उसके लिए सुनने को मिली और मेरे वहां बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बढ़े। जब उनको पता चला कि मैं जैसे यूट्यूब पर सिखाती हूँ तो सब लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और बहुत खुश हुए, मेरी ज्वेलरी भी देखकर बहुत खुश हुए, मेरा वो भी देखकर। तो मेरे मुझे ये शेयर करने का मन था कि ऐसी ड्रेस आप बनाए जिसकी आपको ये सुनने के लिए मिले कि मतलब पुरानी साड़ी में से बनाया है और इतना ज्यादा सुंदर बनाया है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये शरारा की लुक, एक प्लीज एक लाइक कर बताइए, कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप मुझसे और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी मैंने स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दी है और पहनने की भी डाली है, शॉर्ट्स भी हमें डालनी पड़ती है, वो भी मैं जरूर डालूंगी। फ्रेंड्स त्योहारों में मैं आपको साड़ियों का यूज जो
है नहीं अभी साड़ी, उनका यूज ही बताऊंगी, जिससे कि आप नई नई ड्रेसेस क्रिएट कर सके और अच्छा अच्छा लुक देख सके। शादियों का सीजन आ ही गया है, जैसे हम सब गए थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बने रहे मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।